नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाली बारिश को लेकर। बिहार में मानसून सक्रिय होने के बाद से लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। कई नदियों का जलस्तर में भी वृद्धि हुई है। इधर मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश और उमस को लेकर अपडेट जारी किया है। विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इसकी वजह से समूचे प्रदेश में उमस सामान्य से अधिक होगी। विभाग ने यह भी कहा है कि प्रदेश के कई जगहों पर तेज धूप निकलने की बात कही गई है, जिससे तापमान में वृद्धि हो सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश में फिलहाल मानसून सक्रिय है। कई स्थानों पर सामान्य से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। विभाग ने कहा है कि यह स्थिति फिलहाल ऐसा बना रहेगा। प्रदेश में अब तक 480 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, यह सामान्य से केवल 57% अधिक है। विभाग ने यह भी बताया है कि जून के महीने के हिसाब से जुलाई के महीने में कम बारिश हुई है, यानी कि ये जो आंकड़ा बताया गया 57% अधिक बारिश हुई है, यह जून और जुलाई के हिसाब से ये महीने के आंकड़े बताए गए हैं। मौसम विभाग की माने तो उत्तर बिहार के में अगले 2 दिनों तक कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है। विभाग ने कहा है कि बारिश के दौरान हवा भी चल सकती है। विभाग ने यह भी कहा है कि बारिश थमने के बाद तापमान में वृद्धि होगी। इस दौरान तेज धूप होने के कारण लोगों को गर्मी से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में तापमान में 3.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि देखी गई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब सिंह ने बताया कि 2 दिनों तक हल्की बारिश के आसार हैं, इस बीच तापमान में भी वृद्धि हो सकती है। बिहार में पिछले 24 घंटे में छिटपुट बारिश की स्थिति बनी रहेगी। सबसे ज़्यादा बारिश सूर्यगढ़ा में 42 सेंटीमीटर दर्ज की गई है, साथ ही साथ बगहा, त्रिवेणी और बालतारा में 40 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पटना सहित राज्यभर के अधिकांश हिस्से में बादल छाए रहे। राजधानी पटना में उमस के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार मंगलवार को सारण, वैशाली, भोजपुर, दरभंगा जिले के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले कुछ घंटों में प्रदेश के इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना हो सकती है। इस दौरान मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगर आप घर से बाहर हैं तो आप पक्के मकानों के अंदर चले जाएं। वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि बिहार में नेपाल से आने वाले पानी से खूब तबाही होती है। नदियों के जलस्तर बढ़ने के बाद से पानी गाँव में घुस जाता है, जिससे जल जमाव से लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर हम बात कर लें अगर हम उत्तर बिहार के बाद अगर हम दक्षिण बिहार की, तो यहाँ पे सुखाड़ जैसे हालात उत्पन्न होते हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों ही तरफ से बारिश ज़्यादा होने के कारण बाढ़ की स्थिति दक्षिण बिहार में तो नहीं है, लेकिन उत्तर बिहार में उत्पन्न हो गई है। कई ऐसे जिले हैं, कमोबेश बताया जा रहा है कि 28 ऐसे जिले हैं जहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक के लिए बारिश और उमस का अलर्ट जो है जारी किया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।